क्या नाम है अम्मा जी? ओमकली। ओमकली नाम है आपका? हाँ। अच्छा, बाबा जी की सरकार बन रही है? बन गई। बहुत बढ़िया। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसी खुशी में खा रहे हैं आप समोसे? उसी की खुशी में खा रहे। उसी की खुशी में खा रहे? हाँ। ज्यादा खुशी है आपको? हाँ, बहुत खुशी। कहीं चोरी छापा रखे तीर डोंडी, कोई डोंडी लारी, कोई कहीं घूमो, कोई जो खूनी जा, बढ़िया चल रहा। अच्छा, आप चाहते थे कि योगी बाबा जी की सरकार बने? हाँ, सरकार बन गई बाबा। अच्छा, अम्मा जी जब वोट डाल के आए थे आप, तो क्या सोचकर वोट डाला था आपने? हमने ने सोचा था गेरी किसी ना कहीं की हो। हाँ। हमने गेरी फूल की, मगर युग होगा मोदी। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नई न्यूज। इस वक्त हम आ चुके हैं बुढ़ाना विधानसभा में, और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे हर किसी की नज़र इस वक्त इसी पे है कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है, और आंकड़ों में दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी दोबारा फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता बना रहे हैं। अब हम बुढ़ाना में हैं, बुढ़ाना के लोगों से जानेंगे कि बुढ़ाना के लोगों की इस पर क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं। अभी यहाँ पर फ्रूट वाले भैया, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? एहसान। एहसान, एहसान जी, कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, आप क्या चाहते थे कि किसकी सरकार बननी चाहिए? आदित्यनाथ की चाहते थे। आप भी चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बने? जी। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? आजम। आजम, आसम, आसम जी। और आपने क्या बताया? एहसान। एहसान, ये आसम जी है, एहसान जी है। आपको कैसा लग रहा है आसम जी? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी है। अच्छा लग रहा है जी, जी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन रही है? जी जी, बहुत खुशी है। खुशी है। अच्छा, बुढ़ाना विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर बीजेपी की सीट निकल पाएगी? देखो जी, वो तो शाम तक नतीजे आ ही जाएंगे, क्या होता है शाम तक पता लगी, क्लियर हो ही जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको अभी जो विकास कार्य आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तो बन चुकी है, हर आंकड़ों में दिखाया जा रहा है, टीवी चैनल को ले लीजिए या फिर आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, न्यूज में भी हर किसी में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। आप क्या चाहते हैं कि अगर विकास कार्य हो उत्तर प्रदेश में, कि ये विकास कार्य और होने चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल आनी चाहिए, विकास होना चाहिए, और भी ज्यादा विकास होना चाहिए। जी, होना चाहिए विकास। चलिए चलिए, थोड़े से बच्चे भी हैं यहाँ पर, और भी लोग हैं, इधर जाके बात करेंगे हम। कुछ लोग हैं राहगीर जो जा रहे हैं यहाँ से, और ये रिक्शा वाले भैया, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? दिलशाद है जी, मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद जी, कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी के बने, अखिलेश के बने, योगी जी के बने। अच्छा, अखिलेश की बनती है या जो पल्ले वाला चाहेगा उसकी बनेगी? आपको दिखाया जा रहा है कि योगी जी की बन रही है? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। आप किससे खुश है कि किसकी बननी चाहिए? हम तो सबसे खुश हैं जी, सबसे खुश हैं। हाँ, जैसे अल्लाह चाहेगा वो होगा। अच्छा, हाँ, इसमें किसी की उसमें है, जिस ऊपर वाला चाहेगा उसकी बनेगी जी सरकार। बाबा जी की दिखा रहे हैं, बन रही है सरकार। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, बनने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है जी आपका? अखिलेश। नहीं, मैं नाम पूछ रही हूँ आपका। नाम तो पूछने हमारा। अच्छा, ये बोल रहे हैं अखिलेश। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रोहित है। रोहित नाम है। अच्छा, यही के रहने वाले हैं? जी नहीं। अच्छा, यहाँ के नहीं है, कहाँ के हैं? यहाँ डॉक्टर के पास आए थे। डॉक्टर के पास आए थे? यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? बुढ़ाना के? नहीं, मैं बागपत का रहने वाला हूँ। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्या कहना चाहोगे? तो साफ नजर आ रही है सब, जो नतीजे भी आ चुके हैं, बहुत खुशी की बात है, और योगी जी को बहुत बहुत बधाई। योगी जी को? हाँ जी। आप क्या चाहते थे कि किसकी सरकार बननी चाहिए? नहीं, ये बननी चाहिए थी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, मार्केट है। लेकिन आज मैं शामली से भी अभी होती हुई आई हूँ, वीडियो मैंने डाली है शामली की भी, जो भीड़ होती है मार्केट में वो भीड़ नहीं नजर आ रही। क्या नाम है जी आपका? नितिन संगल। नितिन शंकर संगल। संगल संगल, नितिन संगल जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी की सरकार बन रही है? बन गई सरकार, तो सरकार को कोई नहीं रोक रहा है। अच्छा, हाँ जी, बताइए। खुशी है? ठीक है, हमारे लिए तो ऐसी सरकार सब लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसकी दिक्कत कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी बोल रहे थे कि योगी बाबा जी को तो मठ में भेजेंगे। कोई बात नहीं, कहने दो, सबका अधिकार है अपना अपना, ये तो कोई रोक थोड़े सके किसी के अधिकार को। चले,
क्या नाम है जी आपका? अरे ये नहीं बोलेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बासी भाई। इधर तो आइए, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? सर योगी बाबा जी की सरकार बन रही है, क्या कहना चाहोगे इस पर? भाई जनादेश ही सबके लिए है, तो जो जनादेश है सबका है। जनादेश खुशी नहीं है क्या आप लोगों? भाई खुशी तो है ही, सब लग तो नहीं रही। बताएंगे भाई वहाँ बड़े भाई नसीम आ जाओ। वो अम्मा जी बैठे हैं, बात तो उनसे करना चाह रही थी लेकिन थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। क्या नाम है अम्मा जी? ओमकली। ओमकली नाम है आपका? हाँ। अच्छा, बाबा जी की सरकार बन रही है? बन गई। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसी खुशी में खा रहे हैं आप समोसे? उसी की खुशी में खा रहे। हाँ। ज्यादा खुशी है आपको? हाँ बहुत खुशी। कहीं चोरी छापा रखे ती डोंडी, कोई डोंडी लारी कोई कहीं घूमो, कोई जो खूनी जा, बढ़िया चल रहा। आप चाहते थे कि योगी बाबा जी की सरकार बने? हाँ, सरकार बन गई बाबा। अच्छा अम्मा जी, जब वोट डाल के आए थे आप, तो क्या सोचकर वोट डाला था आपने? हमने ना सोचा था गेरी किसी ना कहीं की हो। हाँ। हमने गेरी फूल की, मगर युग होगा मोदी। फूल की क्यों डाली थी? फूल की क्यों, क्या सोच कर डाली थी? नहीं डाली थी, मगर मोदी होगा। अच्छा, क्या सोचा था आपने कि सुरक्षा हो या फिर महिलाओं के लिए, किस उससे डाला था? महिलाओं की कौन सुने रैली? कोई नहीं सुनता, योगी जी भी नहीं सुनते। सुना तो जी मेरे सामने आवे। अच्छा, आपके सामने आने चाहिए जी, सुना लगे। अच्छा हाँ। क्या सुनाओगे फिर अगर सामने आए? सुनावेंगे, जो औरत है उनके लिए अभी तक कुछ होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप बताइए? कुछ मेहरबानियों की पेंशन वेंशन कुछ तो होनी चाहो। अच्छा, आप चाहते हैं बुढ़ापा शुढ़ापा कुछ तक नहीं? हाँ, कुछ तो गुजारा होना चाहो उनका, यही शिकायत है आपको? हाँ। बाकी सब बढ़िया लगा? जो लड़की है उनकी लिखाई पढ़ाई की उनकी वो जहाँ, और भाई फीस माफ हो, ऐसी डकैती में चेहरा क्यों डोंडियों की वो करो पेंशन। हाँ चलिए। क्या नाम है जी आपका? कमलेश देवी। कमलेश, अच्छा कहाँ से आए आप? अच्छा, योगी जी की सरकार आ रही है। हाँ, अम्मा जी को तो बहुत खुशी है। हमें भी बहुत खुशी है। आपको भी खुशी है? बहुत ज्यादा। अच्छा, वोट डाल के आए थे इनको? हाँ हाँ। क्या सोच कर वोट डाला था आपने? हाँ हाँ, योगी को जिताएंगे, जिताने के लिए डाला था। हाँ बहन। चले, क्या नाम है भैया? ये नहीं पता मेरा क्या नाम। ये नहीं बोलेंगे, कह रहे मुझे नहीं पता। क्या नाम है जी आपका? मोनू। दुकान से बाहर निकल जाइए एक बार, भीड़ हो गई यहाँ पर। अब बताइए मोनू आपका नाम है, मोनू जी कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर? बहुत गलत बन रहा लग रहा है जी हमें तो। गलत क्यों लग रहा है? अखिलेश की आनी चाहिए थी। अखिलेश की क्यों आनी चाहिए थी? अखिलेश अच्छा विकास करेगा जी, इसलिए आनी चाहिए थी। ये बाबा ने 5 साल करके देख लिया, कोई खास विकास नहीं करा। अच्छा, हमें जाना जी। नहीं जी, अरे ये तो थोड़े नाराज नजर आए। क्या नाम है भैया? मोहम्मद नसीम सलमानी। अच्छा, बाबा जी की सरकार बन रही है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है जी। ठीक है जी, सही भी लग रहा है? नहीं, हाँ सही लग रहा है। चल, अगर अखिलेश की बनती तब ज्यादा खुशी होती या बाबा जी की बन रही है आप? वो नंबर वन होती। अच्छा, अखिलेश जी की बनती तो ज्यादा खुशी होती जी। क्यों, अखिलेश को क्यों चाहते हैं आप? बस दिल से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं। दिल से मोहब्बत अखिलेश जी? बाबा जी से नहीं है? नहीं जी। क्या कमी क्या लगी आपको? बस कमी तो सर आपको भी पता है ना, जनता ने चुना है, कुछ खास दिखा होगा तभी तो चुना होगा ना जी। तो मैं बता तो रहा हूँ, आपको भी पता है कमी का तो। हाँ। चले चले, ये थोड़ा खुल के नहीं बोल पा रहे। क्या नाम है जी आपका? सतपाल सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, गांव कुरथल से। कुरथल से आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है बाबा जी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? फुल बहुमत आ रहे बाबा जी। फुल बहुमत से बीजेपी बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा रख दिया, बुलडोजर बाबा रख दिया। वो अखिलेश जी तो बोलते थे कि बाबा जी को तो मठ में बैठाएंगे जी। अखिलेश जी बोलते थे बाबा जी को तो मठ में बैठाएंगे। अखिलेश जी मठ में चले जाएंगे भैया। अखिलेश जी चले जाएंगे मठ में? चले गए बाबा, अखिलेश जी चले गए, जा चुके। क्या लगता है कि जो विकास कार्य आपके क्षेत्र में होने चाहिए? विकास अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है, और जो है कानून व्यवस्था बढ़िया दी है। और क्या चाहते हैं आने वाले टाइम? बाबा की सरकार आई, बन तो जाए उसके बाद। बन गई सरकार तो, आ गई बहुमत, फुल बहुमत से आ रही है जी। चले, आप भी नहीं समझ पाए मेरी बात। देखिए, क्या नाम है बाबा जी? क्या नाम है आपका? इनाम। इनाम नाम है जी। मुस्लिम है आप जी? मुस्लिम। अच्छा, क्या लग रहा है अभी बाबा जी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? कैसा लग रहा है आपको? आ रही कैसा लग रहा है?
बन गई है सरकार। अच्छा लग रहा है? हाँ बढ़िया। खुशी है? हाँ खुशी, बहुत बढ़िया खुशी है, बड़ा खुशी है। क्या नाम है जी आपका? अमित, अमित सिंह। अमित जी, बाबा जी की सरकार बन रही है, क्या कहना चाहोगे इस बात पर? कहना ये चाहेंगे जी, सब गुंडागर्दी बंद हो गई है जब से बाबा जी के आते ही गुंडागर्दी बंद हो गई। पहले बहुत गुंडागर्दी थी, और जैसे कि लॉकडाउन लग गया, किसी भी सरकार में लग सकता था ये, और ऐसे खाना नहीं मिल सकता, जैसे कि सब कुछ मिला है, और ऐसे मिलना चाहिए। इसकी सरकार आएगी, योगी बाबा जिंदाबाद। राशन मिल रहा है तो बढ़िया है। देखिए दोस्तों, ये बुढ़ाना के लोगों से हमने बात की, कुछ दुकानदारों से हमने बात की, आम जनता से हमने बात की जो यहाँ से आ जा रहे थे। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए अभी कैराना और बाकी है, कैराना में हम जरूर जाएंगे। और कैराना में अभी तक मृगांका सिंह जीते हुए नजर आ रही है, हालांकि पहले नाहिद हसन आगे थे, लेकिन मृगांका सिंह ने नाहिद हसन को पिछाड़ के मृगांका सिंह खुद आगे निकल गई है। अभी हम वहां पर भी जाके कवरेज करेंगे, वहां पर भी लोगों से बात करेंगे। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेंगे हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ साक्षी, धन्यवाद।